आप देख रहे हैं मंगा रीडर हिंदी। वह अपने रिफ्लेक्शन में केवल एक मशरूम देखता है। वह इस पर विश्वास नहीं कर पाता है और आश्चर्य करता है कि वह मशरूम में क्यों बदल गया। घबराहट में वह चारों ओर देखता है और घोंगे को चबाते और चबाते हुए देखता है। वह उत्तरों की तलाश करता है और बहादुर मेनलैंड में उसका स्वागत करते हुए एक विशाल गेम इंटरफेस दिखता है। वह हैरान और स्तब्ध है, उसके साथ क्या हो रहा है इसका वर्णन करने के लिए शब्दों को खोजने में असमर्थ है। आश्चर्यजनक रूप से सिस्टम उसे बात करना शुरू कर देता है। वह स्वीकार करते हुए कि जो हुआ है उसे स्वीकार करना कठिन है, लेकिन उसे सूचित करना कि खेल पहले ही शुरू हो चुका है और धीरे धीरे अन्वेषण करने का समय नहीं है। सिस्टम सारी जानकारी सीधे उसके दिमाग में ट्रांसफर कर देता है और बाहर निकलना बंद कर देता है, और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे इस सके, सूचना उसके मस्तिष्क में प्रभावित होने हो जाती है। अब वह जानता है कि यह दुनिया जादू और चमत्कारों से भरी पड़ी है। हालांकि दुनिया का हर क्षेत्र अलग है, लेकिन वे सभी बहादुर मेनलैंड के रूप में जाने जाते हैं। बहुत समय पहले राक्षस और मनुष्य एक साथ रहते थे। अधिक मांस शरीर वाले राक्षसों ने विभिन्न कार्यों में मनुष्य की सहायता की, जबकि जादू के लिए उच्च आत्मीयता वाले मनुष्यों ने राक्षसों को जीवित रहने के में मदद करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग किया और राक्षसों को जीवित रहने और समृद्ध होने में मदद करने के लिए जादू उपयोगकर्ता अपने जादू का उपयोग करेंगे। उस समय राक्षस और मनुष्य एक साथ रहते और सीखते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। हालांकि एक दिन गोलम नाम के दानव भगवान ने इस शांति को भंग कर दिया। गोलम राक्षसों के बीच एक शिखर था जिसे कई लोग नेता के रूप में देखते थे। इसने मनुष्यों के सर्वश्रेष्ठ विश्वास और कुछ तुच्छ जाना और सभी राक्षसों मानव शहरों पर हमला करने के लिए उकसाया। जवाब में मनुष्यों ने राक्षसों को भगाने के लिए राजा के आदेश के तहत अपराधियों का गठन करने में पूरे अपनी ताकत जुटाई। महापुरुष छह सबसे मजबूत बहादुरों के बारे में बताते हैं, जो दानव भगवान गोलम को सील करने के लिए एक जुट हुए। हालांकि क्योंकि गोलम अभी भी बेहद शक्तिशाली था, बहादुरों ने उसके शरीर के छह टुकड़ों में विभाजित किया और उन्हें अलग अलग स्थानों में छिपा दिया। केशल ऑफ टाइम, पेंडा क्रोम डेजर्ट, सनकेड वर्ल्ड, टेम्पेस्ट ग्रासलैंड, सूर्य ज्वालामुखी और लैंड ऑफ द टेट। दानव भगवान को सील कर दिए जाने के बाद भी बहादुर मुख्य भूमि अपने पूर्व राज्य में वापस नहीं आ सके। राक्षस और मनुष्य अब शांति से यह सह अस्तित्व में नहीं रह सकते थे। इसके अलावा गोलम की सीलिंग के बावजूद इसके वफादार अनुयायी भूमि पर घूमते रहे, कहर बरपाते रहे और दानव भगवान को पुनर्जीवित करने का रास्ता खोजते रहे। यदि दानव भगवान को पुनर्जीवित किया गया तो संपूर्ण बहादुर मुख्य भूमि नष्ट हो जाएगी, इसलिए गोलम को पुनर्जीवित होने से रोकने के लिए वासे इस दुनिया में अवतरित हुए हैं। अंत में गोलम के अनुयायियों ने उसे हटाने की अपनी योजना पहले ही शुरू कर दी, इसलिए वासी के पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। अगर उनका कोई सवाल है वह सिस्टम से पूछ सकते हैं। वाजी इस पर स्पष्टीकरण मांगता है कि क्या उसका मिशन पूरा करने से उसे उसकी मूल दुनिया में वापस भेज दिया जाएगा, और सिस्टम इसकी पुष्टि करता है। हालांकि वह क्रोधित हो जाता है और सवाल करता है कि क्या सिस्टम वास्तव में मानता है कि वह छह बहादुरों में से एक है।
यह देखते हुए कि वो वर्तमान में खड़े होने का प्रयास वर्तमान में एक मशरूम है, जैसे ही कि वह गुस्से में इधर उधर उछलता है, सिस्टम विनम्रता से उसे तेजित न होने के लिए कहता है और उसे आश्वासन देता है कि उसके नए शरीर के अभ्यस्त होने के समय रख सकते हैं। यह उसे जल्दी करने का आग्रह करता है क्योंकि उसका पहला मिशन शुरू होने वाला है। पासी खड़े होने का प्रयास करता है लेकिन विफल रहता है और उसके गुस्से को और भड़काता है। यह सिस्टम से कम उसे बहुत कंकाल कीचड़ या मकड़ी में बदलने की भीख मांगता है। भले ही उसके पास हथियार न हो, वह सवाल करता है कि उन्हें उसे स्थानांतरित करने में इतनी मुश्किल क्यों बदलना पड़ रहा। खड़े होने के कई असफल प्रयास के बाद वह हार मान लेता है, खुद पर संदेह करता है और मशरूम के रूप में दानव भगवान को हराने की उम्मीद खो देता है और वह अपनी मूल दुनिया में लौटने की उम्मीद खो रहा था। लेकिन व्यवस्था निर्मम थी, कोई चिंता नहीं दिखा रही थी। उसने उन्हें सूचित किया कि खिलाड़ी तैयार था। यह नहीं, इस पर ध्यान दिए बिना खेल जारी रहेगा। इसने उन्हें निर्दिष्ट समय के लिए जीवित रहने का एक मिशन दिया और हार्डन या अंगों के बीच एक इनाम विकल्प की पेशकश की। इसके साथ ही उल्टी गिनती शुरू हो गई और घोंगे ने अपने मौजूदगी छिपा ली। सिस्टम ने घोषणा की मिशन शुरू हो गया और उसे चेतावनी दी कि उसे जीवित रहना चाहिए क्योंकि वे आ रहे थे। इससे उन्हें आश्चर्य हुआ कि वे कौन थे, लेकिन उनके प्रश्न का तुरंत उत्तर दिया गया जब एडवेंचरर्स अचानक उसे दिखाई दिए और फिर उसने आसन्न खतरे आते हुए खतरे को महसूस किया और छिपने के लिए सहज रूप से पास की झाड़ी में कूद गया। एक राक्षस के रूप में उसे डर था कि वे उसे मारने आ रहे हैं। वह दूर से एक पेड़ के पीछे से देखता रहा, अपनी आंखों के सामने हो रहे हमले को देख रहा था। उन्होंने महसूस किया कि ये प्रतीत होने वाले मासूम बच्चे खतरनाक थे, बिना पछतावे या झिझक के घोंगे को बेरहमी से मार रहे थे।